नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और आज का दिन बहुत बड़ा है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार बीजेपी के लिए, बिहार जदयू के लिए। कैसे ये हम आपको बताएंगे और पूरे दिन आपकी निगाह टीवी पे जरूर रही होगी तो आपको पता तो होगा बैकग्राउंड में कि चल क्या रहा है। शुरुआत इस वक्त हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। महागठबंधन के नेता चुने गए नीतीश कुमार, ये बड़ी खबर है। और बिहार में जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार, साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी ने नीतीश को समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। बिहार की जनता के साथ धोखा किया गया है, उन्होंने लिखा है संजय जायसवाल का कहना है। उन्होंने कहा साल 2020 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ा जायसवाल ने, नीतीश ने जमानत जनमत से खिलवाड़ किया है। वहीं जायसवाल साल 2017 से अब तक क्या कुछ उन्होंने किया वो हम जल्दी जल्दी से आप बताएंगे। लेकिन देश भर में देखिए कैसे आखिर पूरे बिहार पर आज सबकी नजर टिकी हुई है और बिहार में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि खेला वहां हो चुका है। और जो डर सबके मन में, यानी कि बिहार वासियों के, बिहार के बीजेपी के जितने दिग्गज रहे उनके दिमाग में जो डर था, आखिर वो डर हो चुका है, मतलब जो खेला था वो हो गया। और जदयू ने बीजेपी के साथ अपनी जो राह थी वो अलग कर ली। अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से अब एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने की तरफ ये पार्टी बढ़ गई है। बीजेपी ने अपनी तरफ से ये पूरा का पूरा सियासी संकट पर इस वक्त चुप्पी साध रखी है। कल भी आपने देखा कि कैसे बीजेपी की तरफ से लोग चुप्पी साधे बैठे थे। उनका कहना था कि फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आला कमान ऑर्डर जब देगा तब हम कहेंगे। उनको भी कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि शायद ऐसा कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा। और बड़ा ठीक एक घंटे पहले हो चुका है। हम आपको बता दें जदयू और बीजेपी का जो गठबंधन था बीजेपी बिहार में वो टूट चुका है और अब नीतीश कुमार फुल फॉर्म में है, फुल फ्लेजेड फॉर्म में है। उनका कहना है कि नए तरीके से शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे होगी इसकी शुरुआत कर देते हैं, छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, तमाम मेहमानों से मिलाएंगे, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। हम सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, हम किसी को कमजोर नहीं करते। खैर, भाजपा अगर कोई सरकार बनती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है हम उनके साथ। बिहार के सियासी खेल के सबसे माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं। बिहार की राजनीति की नब्ज़ वे बेहतर ढंग से पहचानते हैं, तभी तो सालों से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। उनकी कूटनीति ऐसी कि पानी पीकर कोसने वाले नेता भी उनके बगैर सूबे में सरकार बनाने की सोच नहीं सकते। इन दिनों बिहार में राजनीतिक बाजार गर्म है। बीजेपी जेडीयू की सरकार की राहें 21 महीने के बाद जुदा हो गई हैं। नीतीश अब महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने की तैयारी में है। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की था ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। नाराजगी की प्रमुख वजह थी उन्हें फ्री हैंड न मिलना। यही वजह रही कि वो काफी वक्त से केंद्र के कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो रहे थे। उन्होंने राज्य में बीजेपी नेताओं से भी दूरी बनाए रखी थी, जिसका नतीजा ये रहा कि सूबे की सियासत में नया समीकरण बनना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। जो मुख्यमंत्री अपनी बातों का नहीं, जंगल राज को कोसते हुए विकल्प बनकर आए थे 2005 में जंगल राज का, और उसी जंगल राज के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। उसी भाजपा के साथ 2017 में ये चलेगा, तो कैसे कोई विश्वास रखेगा ऐसे मुख्यमंत्री पर जो मुख्यमंत्री खुद अपने शब्दों पर नहीं टिकते। और इसीलिए मैं चाहता हूं
कि भैया एक फ्रेश मैंडेट के लिए बिहार को चुनाव में जाना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार इस तरह का बड़ा कदम उठा रहे हों। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को एनडीए का पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ लिया था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में जदयू का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। बाद में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सीएम बने। चुनाव में बीजेपी को 77 और जेडीयू को 45 सीटें मिली। बावजूद इसके बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। अब एक बार फिर नीतीश बीजेपी से दूर हो गए हैं। कौन क्या कह रहा है मैंने सुना नहीं है। हम सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, हम किसी को कमजोर नहीं करते। पार्टी का जो नेतृत्व है वही ऑफिशियल बयान इस पे देगा। जो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल सारी घटना पे नजर है, जब कोई टिप्पणी होगी तो वो पार्टी की तरफ से होगी। कांग्रेस से हमेशा एक वैचारिक लड़ाई लड़ी है, हम सिर्फ सत्ता की लड़ाई कभी नहीं लड़ते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर अगर नीतीश कुमार जी एक नया गठबंधन बनाते हैं, एक नई सरकार बनाते हैं, तो यकीनन कांग्रेस के लिए ये कहा जाए कि उनकी विचारधारा के अनुरूप है। गैर भाजपा अगर कोई सरकार बनती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार के सियासी घटनाक्रम को देखते हुए बीजेपी ये मान चुकी है कि सूबे की सरकार में उसकी भागीदारी अब नहीं बची है। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष श्रीमती बीना सिंह जी हैं, जो सांसद भी हैं, वर्चुअल बैठक हुई है, उसमें यह तय हुआ कि हम लोग 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने थे और आज भी हैं और भविष्य में भी हम रहेंगे, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है हम उनके साथ। यही वजह है कि पार्टी ने नीतीश सरकार में अपने कोटे के मंत्रियों से राज्यपाल को मंत्री पद से इस्तीफा सौंप देने को कहा है। बिहार की सियासत की धुरी नीतीश कुमार पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो रिपोर्ट से आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस वक्त बिहार में कौन सा खेला हो गया और क्या खेला चल रहा है। और ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा करेंगे कि आखिर खेला हुआ कहाँ और हुआ कैसे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारे साथ कुंतल कृष्ण हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ तिवारी नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रीना चौधरी थोड़ी ही देर में जुड़ेंगी, जदयू से नेता हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो है ऋषभ तिवारी जी से, नेता हैं बीजेपी के। ऋषभ जी, कहा जाता है भाजपा जो गठबंधन धर्म है बहुत अच्छे से निभाती है, और जहां भी भाजपा गठबंधन में रहती है वहां उस धर्म को निभाते हुए निश्चिंत हो जाती है कि भैया अब हम गठबंधन में हैं, धर्म निभा रहे हैं, गठबंधन चलेगी। बिहार में कैसे ये आग लगी, कहां से शुरुआत हुई और ऐसी कौन सी बात हो गई कि नीतीश कुमार एकदम बेवफा हो गए? देखिए, इन सारे घटनाक्रमों पे जैसा कि अपने बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन जी का एक बयान सुना कि पार्टी ऑफिशियली स्टेटमेंट देगी, लेकिन मैं एनालिसिस के तौर पे जरूर कुछ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अगर सरकार में आती है, चाहे गठबंधन बनाती है, तो उसका एक ही सिद्धांत रहता है, कैसे उस क्षेत्र का विकास करें और जनता को सरकार के माध्यम से कैसे उनकी जीवन शैली को बदलने का प्रयास करें। और हम उसी ओर अपने काम को लेकर अग्रसर होते हैं, उसी ओर हम आगे बढ़ते हैं और उसी ओर हम काम भी कर रहे थे। लेकिन ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये समय का इंतजार रखिए, सब पता चलेगा। और जनता भी देखती है कि कौन क्या कब पलटा जा रहा है और कौन किस रूप से राजनीति कर रहा है। आपके सवाल का जवाब सबसे पहले मैं दूंगी, फिर तमाम गेस्टों के पास जाऊंगी। परसों ललन सिंह ने पीसी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि नाम लिए बिना उन्होंने कहा, हालांकि अब तो पूरा क्लियर है मामला क्या कुछ चल रहा है, उन्होंने चिराग पासवान का नाम लिया, चिराग मॉडल की बात कर दी, उन्होंने कहा कि पार्टियां
कोशिश कर रही हैं जदयू को नुकसान पहुंचाने की, और ऐसे में ये भी कहा गया कि कई बार कोशिश की गई पार्टी के अंदर ही जो कद है भाजपा का वो बढ़ाने की, और ऐसे में जदयू कहीं ना कहीं समटती नजर आ रही थी, उसको वो स्पेस नहीं मिल रहा था गठबंधन में जो स्पेस नीतीश कुमार चाह रहे थे पार्टी में। देखिए इस पे मैं एक बात स्पष्ट करूंगा प्रीति जी कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से ज़्यादा सीट लेकर आई थी, उसके बावजूद हमने इतिहास भी देखा है कि हम बड़े भाई होने के बावजूद हमने छोटे भाई को मौका दिया, सत्ता पे बने रहने के लिए हमने गठबंधन को कभी ठेस नहीं पहुंचाया है। अगर ऐसी मंशा होती तो आज मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं रहते, भाजपा का कोई मुख्यमंत्री रहता, लेकिन हमने इस नीतियों को दरकिनार करते हुए कैसे हम स्थिर सरकार दें, कैसे बिहार का विकास करें, इस ओर हमने अपने कदम को बढ़ाया। लेकिन अगर किसी की मंशा केवल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ही रहे तो उस पर मैं कुछ कहना जरूरी नहीं समझता। बस इतना कहना चाहूंगा जनता देख रही है, हर एक उस पॉइंट को देख रही है कैसे सत्ता में बने रहने के लिए केवल कुछ लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जनता देख रही है। कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, माफ कीजिएगा कुंतल कृष्ण जी, जनता देख रही है और जनता इंसाफ करेगी कह रहे हैं बीजेपी के नेता ऋषभ तिवारी, जनता क्या इंसाफ करेगी अब? कुंतल जी आप क्या? हाँ, आज की तारीख की आप गवाही ले लें प्रीति। हाँ। अभी ये जो गठबंधन बिहार में बना है। हाँ। ये जनता की मंशा का गठबंधन है और आगे आने वाले किसी भी चुनाव में 90% सीटें ये गठबंधन ही जीतेगा। पहली बात जनता देख रही है, दूसरी बात जनता ये भी देख रही है कि बीजेपी की पुरानी आदत हो चुकी है अपने सभी सभी राजनीतिक सहयोगियों के पीठ में छुरा घोंपना। जो इनके साथ गया उसे बीजेपी बिल्कुल मिट्टी में, राजनीतिक मिट्टी में मिला देने का काम करती है और ऐसी ही उसकी मंशा रहती है। शिवसेना, पीडीपी, शिरोमणि अकाली दल और अब जैसा कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कहा, और अब बीजेपी की मंशा थी जनता दल यूनाइटेड के बीच में छुरा घोंपने की। ये तो समय रहते ये बात पता चल गई। वैसे भी पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, उसमें तो बीजेपी ने अपनी मंशा साफ कर ही दी थी, उसमें तो बीजेपी ने चिराग पासवान के माध्यम से पूरी कोशिश की थी कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान हो। और अभी अभी आप देखें क्रोनोलॉजी को समझें, आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केंद्र में मंत्री होते हैं और बिहार में घूम घूम करके वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, नीतीश कुमार के राज्य में घूम घूम करके वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, और अब बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार जी के सामने बीजेपी फिर से एक नया एकनाथ शिंदे ढूंढने की कोशिश कर रही है। कुंतल जी, बस ठीक है, एक सवाल मेरा भी जी। क्या लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोनिया गांधी के संपर्क में थे? कहा जा रहा पिछले 15 दिनों में कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री की सोनिया गांधी से बातचीत हुई फोन पर, टेलीफोन पर, और कल भी टेलीफोन पे, मतलब मोबाइल पे उनकी बात हुई है, फोन पे बातचीत हुई है, और उसके बाद से परसों जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री साहब की, वो जो बीजेपी के तमाम बड़े डिप्टी सीएम और बड़े दिग्गज नेता उनके साथ हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं रही, और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब तो खैर सब कुछ खेल जो खेला था वो खुलकर सामने आ गया। क्या कहीं ना कहीं अगर कहा जाए स्ट्रैटेजी जो रही वो जदयू की है या फिर सोनिया गांधी की है? देखिए आज के दिन में देश के जो हालात हैं, कुंतल जी स्पष्ट सवाल स्पष्ट जवाब, समझ गए स्पष्ट रूप से, मैं आप समझ गए मैंने क्या पूछा आपसे, स्पष्ट जवाब मैं आपको दूंगा प्रीति जी। आज के दिन में देश में आर पार की लड़ाई है और जो हमारे साथ है वो इस देश के साथ है। हाँ। और हम हर उस व्यक्ति और हर उस राजनीतिक विचारधारा के संपर्क में हैं और हम हर उस राजनीतिक विचारधारा को अपने साथ लाना चाहते हैं। हाँ। जो इस तानाशाही राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ लड़ना चाहती है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी से और नीतीश कुमार जी की पार्टी से कांग्रेस ने पहले भी इस बात का निवेदन किया था। सोनिया गांधी क्या 2024 की तैयारी कर रही है नीतीश कुमार को लेकर के सपने? नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार में अपितु पूरे देश में एक बड़े राजनीतिक शख्सियत हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ। और नीतीश कुमार जी का यूपीए के साथ आना बहुत, इसमें तो कहीं कोई शंका ही नहीं है कि यूपीए की ताकत बढ़ाएगा। ठीक है, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, आती हूं कुंतल जी, आती हूं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। कहा जाता है नीतीश कुमार के अंदर जो आकांक्षाएं, जो एक्सपेक्टेशंस है, जो वो बहुत
आकांक्षाएं उनके अंदर है राजनीति को लेकर के, और ऐसे में प्रधानमंत्री जो है उनका अंतिम टारगेट है, गोल है, और इसीलिए उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि 2024 है, मौका सही है, सटीक है, और मौके का फायदा उठा लिया जाए, और यही मौका है कि पार्टी से अलग होकर अब जो तीसरा जो गुट बन रहा है, विपक्ष का गुट है, उसमें शामिल हो जाऊं, और ऐसे में 2024 के लिए जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। क्या मैं सही सोच रही हूं? प्रीति जी, दोबारा से आपके शो में शिरकत कर रहा हूं, इसलिए शुक्रगुजार। एक चीज जो नीतीश कुमार जी के बारे में मैं बताना चाहता हूं, या जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूं, और शायद कल या परसों ये रिलीज हो जाएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कॉल रिकॉर्डिंग्स। भाजपा के कुछ ऐसे नेता थे जो जेडीयू को तोड़ने के लिए करीबन 6-8 करोड़ की ऑफर दे रहे थे, और वही जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि शिवसेना को जिस तरह से तोड़ने का काम किया था ईडी द्वारा, उसी तरह से जेडीयू को तोड़ने का प्रयास चालू था बिहार के अंदर। कॉल रिकॉर्डिंग्स है, ये आ जाएगी एक दो दिन के अंदर, ये सार्वजनिक हो जाएगी 6-8 करोड़ में, बड़ी जिम्मेदारी कह रहा हूँ। अगर ये सब प्रश्न उठना चाहिए कि पैसा भाजपा के पास कहां से आता है, क्या प्रधानमंत्री के फंड से आता है, या ये पैसा पीएम के फंड से आता है, कहां से आता है, भाजपा को उत्तर देना पड़ेगा। दूसरी चीज देखिए, सारे क्षेत्रीय दल एक चीज इन्होंने जान ली है कि भाजपा के साथ जाने में उनका नुकसान है, चाहे फिर वो टीडीपी हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चाहे फिर वो शिवसेना हो, चाहे फिर वो अकाली दल हो, चाहे फिर वो नीतीश बाबू हो, चाहे फिर वो मायावती जी हो, जब भी आप भाजपा के साथ अलायंस करते हो, भाजपा छोटे दल को खा जाती है। भाजपा वो एक वो कीचड़ में कमल खिलते हैं, लेकिन कीचड़ में वो पिक सैंड की तरह जो अपने लोगों को खींच देते हैं, नीचे कमल खुलता है, तो भाजपा से लोगों को डरना है। तीसरी चीज, एक चीज का मैं आज आपके शो पे भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आज से 10 दिनों के बाद ईडी की कार्रवाई शुरू होगी, और ईडी अब नीतीश बाबू के अंदर कुछ केस ढूंढेंगे और कोई घोटाला ढूंढेंगे, और यही भाजपा के प्रवक्ता जो कल तक कह रहे थे नीतीश बाबू देशभक्त, वो कहेंगे नीतीश बाबू से बड़ा देश, आज इस बात की आप भविष्यवाणी लिखेगा और इसे रिकॉर्ड करना उसे ठीक है। कुंतल कुछ कहना चाह रहे थे, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, एक बार कुंतल क्यों रुक करेंगे, फिर हमारे साथ सैयद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनका जवाब लेंगे। ठीक है कुंतल साहब। प्रीति जी, मैं तहसीन भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, तहसीन भाई के पास पूरी पुख्ता जानकारी है। नीतीश कुमार जी जब आज अपनी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों की मीटिंग ले रहे थे, उसमें वो कॉल सुनाए गए हैं नीतीश कुमार जी के पार्टी के सदस्यों को, उनके एमएलएस को, भाजपा के कुछ नेता और नीतीश कुमार की पार्टी के तथा कथित कुछ नेता जो आज के दिन में जिनको भाजपा बिहार का एक नाथ शिंदे बनाना चाह रही थी, उनके करीबी लोगों ने करोड़ों रुपए और साथ में मंत्री पद का लालच दिया। और यही नहीं, अब ये बात तो बिल्कुल तय है, पटना के एयरपोर्ट पे ईडी सीबीआई आईटी और ये जो सारी एजेंसियां आजकल जो एजेंसियां कम और भाजपा के फ्रंटल्स की तरह जो नए भाजपा के इलेक्शनरिंग एजेंट्स हैं, इनकी आवाजाही के लिए तो अब हम तैयार हैं। नहीं तो चार दिन पहले कोई फर्क नहीं पड़ता कुंतल जी, चार दिन पहले जब ये गठबंधन टूटा नहीं था तब यही नीतीश कुमार आपको बड़े अच्छे लग रहे थे, अभी जब गठबंधन टूट गया है तो आपने चार चीजें निकाल के बोलनी शुरू कर दी। सैयद सर, देखिए प्रीति, ऐसी सिचुएशन पे एक राहत इंदौरी साहब का शेर है, वो मुझे बड़ा याद आ गया कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, और जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जैसी सभी ने बताई समस्या है कि वो क्षेत्रीय दल को जो है वो कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, और जिन जिन के साथ उसका अलायंस रहता सबसे पहला प्रहार वो करते हैं वो अपने साथ के सहयोगी जो दल होते हैं, जिनके साथ वो सरकार के अंदर हैं, उनके ऊपर पहला प्रहार करते हैं। आज जदयू की पहले ही समझ में आ गया कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो नीतीश कुमार बाहर हो गए। और एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 2024 की बिसात बिहार के अंदर रख दी गई है, और ये एकदम से घटनाक्रम नहीं हुआ। आप अगर देखेंगे जिस तरीके से एमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ करके तेजस्वी अपने साथ लेकर के आए, और खामोशी से और चुप्पी से वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए, उन्होंने कोई ज्यादा बयानबाजी नहीं करी चीज, उसी वक्त जो है वो पूरी चीजें रणनीति डिसाइड हो चुकी थी, यहाँ तक ये भी डिसाइड हो चुका था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार नीतीश कुमार को भी तो राजनीति का चाणक्य तो नीतीश कुमार को भी कहा जाता है, उन्हें कम ना आके बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार को भी हम कम ना आके। प्रीति एक चीज देखना पड़ेगी, 2014 से पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है एनडीए ने एक तरीके से चेहरा बनाया, तो नीतीश कुमार उस वक्त खासे नाराज थे, क्योंकि नीतीश कुमार अगर देखा जाए तो अनुभव में भी बहुत ज्यादा हैं,
केंद्रीय पॉलिटिक्स के अंदर भी नीतीश कुमार को ज्यादा एक्सपीरियंस है और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कारभार बिहार के अंदर संभाला है उसके ऊपर भी आप ज्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। ये सारी उनके अंदर खूबियां हैं, खासियत है उनके अंदर, और एक जो कहते हैं ना वो गम जिसे कहते हैं, एक जोड़ जो होता है केंद्रीय पॉलिटिक्स में, वो नीतीश कुमार के पास है कि किस तरीके से वो सारी क्षेत्रीय पार्टी को अपने साथ ले सकते हैं। सैयद, एक सवाल ये भी बनता है, क्या जेडीयू आरजेडी के साथ आने के बाद बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के लिए जो मुस्लिम कार्ड है वो खेलना आसान हो जाएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज कह दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक लौते मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में नहीं है। तमाम सेकुलर पार्टीज के अंदर पढ़े लिखे अच्छे और कद्दावर नेता जो है वो सेकुलर पार्टीज में है, चाहे वो कांग्रेस हो, बड़ा सवाल है, जवाब जानूंगे कि हमारे साथ नई मेहमान जुड़ी हैं, चाहे वो रीना चौधरी आती हो, सैयद साहब, चाहे आप देखेंगे टीएमसी हो गई, चाहे तमाम आप देखेंगे एनसीपी हो गई, महाराष्ट्र के अंदर अच्छे पढ़े लिखे मुस्लिम लीडर मौजूद हैं। हालांकि उनको स्पेस नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि आपने देखा था किस तरीके से फोर्सेस जो है वो काम करने लगी है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल इतना बड़ा एग्जाम्पल था कि सभी क्षेत्रीय पार्टी सतर्क हो गई। आप केसीआर को देख लीजिए, रीना चौधरी आ गई है, रीना चौधरी नेता है जेडीयू से, आखिर क्या मजबूरी रही रीना जी के साथ छोड़ दिया आपने भाजपा का? ये तो साफ साफ दिख रहा है मैडम कि जो महाराष्ट्र में जो अभी हुआ है वही कांड दोहराने जा रहा था। जो कि क्या होने जा रहा था, कौन सा कांड हो रहा था? महाराष्ट्र वाला कांड यहाँ होने वाला था। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी समय रहते हुए और सब कुछ जानते हुए उन्होंने चुप रहा और समय रहते हुए उन्होंने देखा कि अब समय आ गया है कि इनका साथ छोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये बीजेपी का पुरानी चाल है, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, बीजेपी के नेता है ऋषभ तिवारी, बहुत बड़ी बात कह गई रीना जी, बहुत बड़ी बात, मतलब इतनी बड़ी बात कि ये सीधे सीधे पार्टी के चरित्र को दिखाता है। देखिए प्रीति जी, सारे पैनलिस्ट ने कुछ कुछ बातें आपके समक्ष रखी, मैं सबसे पहले प्रवक्ता जो हमारे कांग्रेस के हैं उनकी बातों पे आता हूँ, फिर तसीन जी के भी बातों पे आता हूँ, फिर हमारी जो बहन बैठी उनकी बातों पे आता हूँ। इन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ वो भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी कहीं ना कहीं करने जा रही है, तो मेरा एक सीधा सा सवाल है सर आपसे, जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, तब आपने कितने विधायकों को कितने पैसे देके शिवसेना के तोड़ के अपने साथ गठबंधन में बनाया था, जरा इसका जवाब दे दे, कोई प्रूफ है क्या उस चीज का? इस पे आज खुल के डिबेट कर लें और बात कर लें, केवल आरोप लगा देंगे उसके बाद निकल जाएंगे ये नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं आऊंगा, तसीन पूनावाला जी ने जो कहा कि आपके चैनल पे मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, 10 दिन रुक जाइए, ईडी की जांच होगी, नीतीश कुमार देशभक्त नहीं कहलाएंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 दिन की भविष्यवाणी छोड़ दीजिए, एक दिन फ्लैशबैक में चलते हैं तसीन जी, नीतीश कुमार तो बिल्कुल देश विरोधी देशभक्त थे, अंधभक्त थे, भक्त थे मोदी जी के, आप लोग कहते थे, फ्लैशबैक में चलते हैं नीतीश जी, नीतीश जी के फ्लैशबैक में चलते हैं तसीन जी, आप लोग ही कहते थे कि नीतीश कुमार तो सेक्युलरिज्म का सिर्फ चोला ओढ़ते हैं, वो सेक्युलरिज्म नहीं मानते हैं, अब इस पे क्या जवाब है? खंजर भोंकने की बात एक बात यहाँ कही गई, तो जिस नीतीश कुमार की पार्टी ने जनता दल जो लालू यादव की पार्टी थी राजद और कांग्रेस की गठबंधन, तो मैं बीच में नहीं बोला सुन ले, उसके पीछे खंजर भोंक कर अपनी सरकार जब बनाई थी तो वो जेडीयू सही था, आज जेडीयू गलत हो गया, तो ये अवसरवाद की राजनीति कौन दर्शा रहा है? ये कौन अवसरवाद की राजनीति दर्शा रहा है? जोर का झटका धीरे से नीतीश कुमार ने दे दिया है सर, हम कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे, हम झटके लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कार्यकर्ता मिला है नीतीश कुमार को, इसीलिए जोर का झटका धीरे से दिया है। एक बात और डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, एक बात और मैं कहना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही बात, यहाँ लोकतंत्र की कही जा रही थी महाराष्ट्र के संदर्भ में, बहुत बड़े लोकतंत्र के अंदर कही जा रही थी, तो मैं कहना चाहता हूँ आज लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र नहीं था, कैसे मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो मीठा मीठा तंत्र की बात कही जा रही थी तू कहाँ चल गया भाई, हरियाणा के आज लोकतंत्र जीवित है, लेकिन महाराष्ट्र में लोकतंत्र मर गया था, आज लोकतंत्र जीवित है लेकिन जनता पार्टी के साथ मर गया था, आज महाराष्ट्र आज की डेट में आज बिहार में लोकतंत्र जीवित है लेकिन कर्नाटक में मर जाता है, कर्नाटक में नहीं वहां मर जाता है, ये ना 10 एग्जांपल क्या लोकतंत्र अच्छा ये देखिए
इंडिया के सवाल में और लगातार आज बिहार के सियासी रण में जिस तरीके से आपने देखा क्या कुछ नहीं हुआ और लास्ट में वही हुआ जिसका डर था, यानी कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था वो टूट चुका है और ऐसे में अब नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं आरजेडी के साथ। थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि कैसे जैसे ही इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंपा नीतीश कुमार ने, उसके बाद सीधे वो राबड़ी देवी के आवास में पहुंचे। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ाते हैं, हमारे तमाम मेहमान अभी भी जुड़े हुए हमारे साथ। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, बड़ी खबर सीधे हम आपको बता दें, राजभवन पहुंचे हैं नीतीश और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव राजभवन पहुंच चुके हैं, नई सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं, राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंपने जा रहे हैं, यानी कि आरजेडी और जदयू दोनों मिलकर राज्यपाल के पास थोड़ी देर में जाएंगे और उसके बाद समर्थन पत्र है जो विधायकों के जहां सिग्नेचर्स हैं वो लेकर के जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये पूरा का पूरा जो पत्र है वो राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया जाएगा आज ही। और काफ़ी आज सियासी हलचल देखिए बिहार की धरती पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से आज हलचल वहाँ तेज़ है और आबो हवा वहाँ की बदल गई है, इसका अंदाज़ा अगर पिछले 6 महीने पीछे भी अगर हम जाएं तो भी मुझे नहीं लगता कि किसी को इस कदर यह हवा बदल जाएगी इसका अंदाजा होगा। और हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए, सबसे पहले तहसीन पूनावाला। 6 महीने पहले तक क्या किसी को अंदाजा था कि इस तरीके से हवा बदल जाएगी बिहार की? जी, मुझे लगता है कि बात 6 महीने की नहीं है, बात महाराष्ट्र में जो हुआ उसका जो इफेक्ट है सारे देश में अब फैल गया है। लोग जानते हैं किस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दुरुपयोग हो रहा है, लोग जानते हैं किस तरह से महाराष्ट्र में सीबीआई और ईडी की एजेंसी के द्वारा और पैसे द्वारा लोगों को एनकरेज किया गया कि उनके साइड, और नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा था ये पहले से, तब याद है चुनाव के बाद एलजेपी और एलजेपी यानी कि पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए थे भाजपा के विरुद्ध में, नीतीश कुमार जी के खिलाफ किए थे ताकि नीतीश कुमार जी को नुकसान हो, जिसके कारण नीतीश कुमार जी छोटा दल बन गया और भाजपा बड़ा दल बन गया। तो ये जो इनकी जो ये स्ट्रैटेजी है भाजपा की, जो रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दल है उनको समाप्त करने का, ये पहले से चल रहा था, ये महाराष्ट्र में और भी इसमें गति पकड़ी और अब जो क्षेत्रीय दल है ये डर रहे हैं, जानते कि भाजपा की ये दिखे, इसलिए कोई भी क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ नहीं जाना चाहता। मैं आपको और ही भविष्यवाणी करूँ, इन्हीं के तो कारण शुरू और भी लोग हैं जो गठबंधन तोड़ेंगे भाजपा से, और जितने भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर थे मैं बताता हूँ उनसे मारा से कह रहा हूँ, एक सवाल जो मेरे जहन में खटक रही है, एक सवाल आप देखिए 6 महीने की बात छोड़ दीजिए, हम 15 दिन पीछे चलते हैं, 15 दिन पीछे जाते हैं, 15 दिन 20 दिन पीछे आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पे थे, वहां उनकी बैठक चली। 15 दिन पीछे जाएं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी, उन्होंने बिहार में पटना में रोड शो किया था। अब ऐसे में एक सवाल मेरे जहन में खटक रहा है कि भाजपा के इतने बड़े बड़े दिग्गज बिहार की धरती पे पहुंचे हुए थे, ऐसा क्या हो गया कि इन 15 से 20 दिनों में सरकार गिर गई? कुंदक कृष्ण। प्रीति, मैं आप ही की बात से शुरू करता हूं। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आते हैं, नीतीश कुमार उनके राजनीतिक सहयोगी हैं, दोनों साथ में सरकार बना रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत पीछे न जाए, बट आप इस बात को जुटला भी नहीं सकती है। चिराग पासवान सिर्फ उन्हीं सीटों पे लड़े जिन सीटों पे नीतीश कुमार लड़े, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, आप अभी झारखंड का एग्जाम्पल ले लें, इन सब चीजों से लेकर उसका आरसीपी का केंद्र सरकार में जनता दल यूनाइटेड के नुमाइंदे की तरह मंत्री रहना आरसीपी सिंह का, और बारंबार गुजरात मॉडल की बात करना बिहार में घूम घूम करके, इन चीजों से बहुत सीख ली नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार इस बात को समझ गए थे कि अब अगला टारगेट बिहार में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी ही होने वाली है। और वैसे भी इस देश में जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से हर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, हर दूसरे रीना जी, ठीक है रीना जी, क्या समझ गई थी आपकी पार्टी,
क्या पार्टी समझ गई थी, क्या नीतीश कुमार समझ गए थे कि अगला जो नेक्स्ट टारगेट है महाराष्ट्र के बाद वो सीधा बिहार होगा, और बिहार में जिस तरीके से कुंतल जी ने कहा कि टारगेट करके पार्टी के अंदर पार्टी को गिराना, साइडलाइन करना, ये काम होता, क्या सहमत है आप? बिल्कुल, आप 2020 के चुनाव में ही देख लीजिए, अभी हमारे भाई ने बोले हैं उनके बात से बिल्कुल सहमत है कि 2020 में गठबंधन की बात होती है और हम गठबंधन करते हैं, और गठबंधन में एक तरफ वो हनुमान बन के चिराग जी हमारे पार्टी को डैमेज करते हैं, जहां काम किया नीतीश कुमार ने और बड़ी पार्टी उभर के आई है बीजेपी, ये सब तो हमारे नीतीश कुमार तो देख ही रहे थे कि मेरे साथ तो ये विश्वासघात कर ही रहे हैं, और विश्वासघात तो बीजेपी का आदत ही है विश्वासघात करने का। लेकिन वो देख रहे थे और समय रहते हुए विश्वासघात विश्वासघात करना पार्टी की फितरत है, भाजपा की फितरत है, ठीक है भाजपा विश्वासघात सुन ले। विश्वासघात की बात आपने कही, और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा सरकार में दल बदल करके मुख्यमंत्री बनने वाले आपके नीतीश कुमार जी हैं, कभी राजद के साथ तो कभी भाजपा के साथ, तो विश्वासघात की अगर आप बात करते हैं तो कृपया करके अपने पार्टी के चरित्र पे आकलन कीजिए, उस पर एनालिसिस कीजिए कि किसने विश्वासघात किया है और किसके साथ किया है। ये विश्वासघात ना केवल भाजपा के साथ है, जनता के साथ है, भारत के लोकतंत्र के साथ भी है। दूसरी बात मैं एक बात स्पष्ट करूं, फिर आप अपने बात को मौका रखिएगा। तसीन पूनावाला जी आए हर पूरे डिबेट में ईडी को ले आ रहे हैं, इनकी बेचैनी अभी तक ईडी से नहीं निकल पा रही है, ईडी का खौफ इनको अभी तक दिख रहा है। तो सर चोरी हुई है तो डर लगेगा, वो मैं चैनल पे समझता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र खतरे की बात, ईडी में हस्तक्षेप प्रणाली की बात, आप सीबीआई में हस्तक्षेप प्रणाली की बात ये कर रहे हैं, भूल ना जाए देश, भूल ना जाए वो देश। प्रीति जी प्लीज ये बात को कंक्लूड करने दे कि इन्हीं के कांग्रेस पार्टी ने कहा था इंदिरा इंडिया एक है, और आपातकाल में हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक पंक्तियां लिखी थी, कहे कबीरा कैद से, इसीलिए भाजपा का एक ही नारा है, हम करें तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनेगार, हम करें तो रसलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर लीला, इनका और कुछ है ही नहीं, बस इनका ये करे तो सब ठीक, कोई और करे तो गलत। ठीक है, हमारे इन्होंने क्या किया नीतीश जी के साथ, इन्होंने क्या किया महाराष्ट्र में, इन्होंने क्या किया झारखंड में, क्या करने की कोशिश कर रहे थे, ये करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनेगार, आज एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है हमारे साथ हमारे संवाददाता ठीक पटना से राबड़ी देवी की आवाज के बाहर खड़े हैं आसिफ इकबाल, उनके साथ तमाम समर्थक इस वक्त जदयू के मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा रुझान ले लेते हैं। आसिफ, उनसे पूछ लीजिएगा कि जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद राबड़ी देवी के आवास में घुसे, लोगों का जो रुख था, जो रवैया था, और जो जहन में चला कि अब हमें कुछ नया मिलेगा बिहार में, एक बार बात करवाइएगा। बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बताऊं कि देखिए इस वक्त मैं राबड़ी निवास से यहाँ राज्यपाल भवन पहुंच चुका हूं, क्योंकि तमाम जो लीडर हैं बिहार के, जो भी जितने भी कद्दावर जो महागठबंधन के लीडर हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर अजीत शर्मा हो, जीतन राम मांझी हो, ललन सिंह हो, सब लोग राज्यपाल भवन गए हुए हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। ये तमाम समर्थकों की खुशी आप देख सकते हैं। मैं अरब को कहूंगा एक बार जरा नज़ारा दिखा दे, किस तरीके से यहाँ पे पूरा माहौल जो है वो बदला हुआ सा नजर आता है, पूरे के पूरे लोगों में जोश खरोश नजर आ रहा है, सारे कार्यकर्ताओं में देखिए झंडे पतंगे के साथ यहाँ तमाम लोग हैं, महिलाओं का जोश देखने लायक बन रहा है। पूछ रहे बहुत खुशी हो रही है, हम लोग नए सरकार में जा रहे हैं, नए सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी थे और अभी भी हैं, बिहार की पूरी जनता को बधाई हो, हम उनके खुशी के साथ हैं। क्या लग रहा है आप लोग, क्या बदलने वाला है, क्या बदलेगा आज तक जो भी हम लोग की आसे, तो हम लोग सबसे पहले आम जनता को, जितनी भी जनता है उनको बधाई। एक सवाल पूछिए उनसे कि खुशी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, नई बयार बह रही है, ये खुशी इस बात की है कि नया चेहरा तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी का बहुत बड़ा चेहरा है, यूथ उनके तरफ बहुत ज्यादा आप कहिए कि एक उम्मीद से देखती है, आरजेडी के साथ जदयू आ रही है, क्या इससे ज्यादा खुशी है उनको, एक बार पूछिएगा। बिल्कुल, हमारी एंकर हैं प्रीति चौहान, वो कह रही हैं कि आप लोगों को नीतीश कुमार के चेहरे से तो मुख्यमंत्री थे ही वो, लेकिन अब नए नए चेहरे के तौर पे तेजस्वी यादव होंगे, उनके साथ यूथ जुड़ा हुआ है, कैसे देख रही हैं आप उनको? बहुत अच्छे तरीका से देख रहे हैं, बहुत अच्छी, जो गरीबों की विकास नहीं हो रही थी वो होगी,
और एक युवा सोच मिल रहा है। देखिए हमारे नेता जो है हमेशा से सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं, और जैसा कि नीतीश कुमार हमारे नेता आज भी थे और हमारे जीतनराम मांझी जी हमारे नेता हैं, तो कहने का मतलब कि विचारधारा की लड़ाई है। जैसा पिछले बार आपने देखा कि एनआरसी के मुद्दे पर सिर्फ इंजन जो रही है डिब्बा सारे चेंज कर दिया गया क्योंकि उसमें सही सवारी सही नहीं था जी, इसलिए चेंज किया गया डिब्बा को। ऑर्डर नहीं नहीं क्योंकि अभी आएंगे तो हम लोग देख। अरे कुंटल की क्या बात है, पूरे बिहार की जनता इस खुशी को सब अपने लोग अपने ले लेके आ रहे हैं, कड़ाही में रसगुल्ला काला जामुन सब आ रहा है साफ तौर पे, जो साफ समझ सकती हैं प्रीति। और ये लोग कह रहे हैं कि कड़ाही में लड्डू लेके आ रहे हैं, टन टन का लड्डू आ रहा है। बने रहिए आसिफ, आसिफ बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से लौटते हैं अपने गेस्टों की तरफ और चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान और ऐसे में ऋषभ तिवारी बीजेपी के नेता लगातार, और ऐसे में सैयद जवाद लगातार हाथ उठा रहे। सब सैयद अपनी बात रखिए। देखिए क्या है प्रीति, एक कहावत कही जाती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने बीजेपी ने जिसको ठगा नहीं। हाँ। मैं बार बार कई दफा कह चुका हूँ इस चीज को कि बीजेपी की दोस्ती से अच्छी दुश्मनी है। हाँ। उसका मैं आपको बताऊँ क्या है कि क्षेत्रीय दल जितने भी हैं उनकी पॉलिटिक्स उनकी सियासत जो है वो देश भर में जो है एक नज़ीर साबित हुई है। बीजेपी भी ये बहुत अच्छे से जानती है, अगर क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुंचाती है क्षेत्रीय दल को और खास तौर से उनको जिनके साथ उनका गठबंधन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि हरियाणा के अंदर जब चुनाव हो रहे थे तो जेजेपी जो है वो अगेंस्ट में लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन चुनाव होते होते आते आते आपने देखा किस तरीके का गठबंधन हुआ। ठीक उसी प्रकार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दो अलग विचारधाराओं के उनके साथ जो है गठबंधन करा गया, और किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी चुनाव नहीं हो पा रहे हैं जनता देख रही है। तीसरा महाराष्ट्र तो सबके सामने बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद कुंतल जी से एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। कुंतल जी आपने देखा कि तमाम जो वहाँ पे लोग थे वो भी कह रहे थे कि विचारधारा की लड़ाई है, नीतीश कुमार भी कह रहे थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया वो भी कह रहे थे विचारधारा की लड़ाई। एक बात बताइए, सेफ जब आपको लगता है कि खेलना है तभी विचारधारा की लड़ाई आती है, उसके पहले जब आप सेफ नहीं खेल रहे थे आपको लग रहा था कि अभी मैं सेफ नहीं हूँ तब विचारधारा की लड़ाई नहीं आती है, विचारधारा की लड़ाई कब आती है? विचारधारा की लड़ाई तब आती है। हाँ। देखिए प्रीति क्या है, समस्या क्या थी, अभी आज की डेट में जदयू के अंदर दो सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट जो हैं वो मुझे लगता है निकल के सामने आएंगे। एक तो जातीय जनगणना, जो कि एक बहुत बड़ी, बीच में कहा भी गया था कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ थी अंदर से इससे कि जातीय जनगणना हो रही है, और ये मुद्दा जो है सभी प्रदेशों के अंदर जाएगा और आने वाले वक्त में एक नज़ीर साबित होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जातिगत टिकट भी बांटती है, उसके बाद मंत्रालय भी जाति, सर मैं आपको रोकूंगा बीच में इस बात पे, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जातिवाद से ऊपर उठकर अंत्योदय की नीति, लेकिन जाति के नाम पर जो है जाति के नाम पर जो है मंत्रालय आपने जो है
ओबीसी समाज के लोगों का आपने कहा कि हमने मंत्री बनाया, आपने कहा हमने दलित समाज के लोगों को मंत्री बनाया, आपने क्यों नहीं अल्पसंख्यक समाज से मंत्रालय बनाया? अभी तक एक भी मंत्री नहीं है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं अपने भाजपा के साथी को बता देना चाहता हूँ कि वो कुछ हद तक सही कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जातियों की राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म और जाति इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वोट का एक जरिया है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या हुआ बिहार में, नीतीश कुमार जी को इस बात का एहसास हो गया था कि धोखे और पॉलिटिक्स की राजनीति हमारे साथ और भी गेस्ट हैं। अच्छा ठीक है आते हैं सैयद जी आते हैं। गुजरात हार गए, ऋषभ जी आती हूँ आपके पास। ऋषभ जी ठीक है एक सेकेंड ऋषभ जी प्लीज कृष्णा कुंतल। हाँ, भारतीय जनता पार्टी देश को जातियों में बांटने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला करके वोटों की राजनीति कर रही है। यह मैं बड़े स्पष्ट शब्द में कह देता हूं। हाँ। और इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है। हमारे भाजपा के साथी अभी युवा हैं, बहुत अति उत्साह में है और इन्हें नागपुर से बहुत सारी एनर्जी देके गई है, देके यहाँ भेजा गया है, इसलिए लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, पर इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक रही धोखे की बात, नीतीश कुमार जी आपने युवा पार्टी को समझ लिया जिसने इस देश के युवाओं के साथ धोखा किया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात पे धोखा किया है। अभी 15 अगस्त 2022 का आ रहा है, 10 लाख रोजगार कितने दिन में दे रहे हैं सर? भाजपा के प्रधानमंत्री ने कहा उसका भी एक डेटा रख देंगे आप। गरीबों की और किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ, उल्टे किसानों की आत्महत्या की संख्या दुगनी हो गई। किसानों के साथ धोखा करने वाली पार्टी, गरीबों के साथ धोखा करने वाली पार्टी, नौजवानों के साथ धोखा करने वाली पार्टी और अपने सहयोगियों के साथ धोखा करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की साजिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। पहले उन्होंने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, उसके बाद आरसीपी सिंह। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तो शुद्ध रूप से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा है कि फिर से एक नया चिराग बनाने की कोशिश थी। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें पुनालाती कुंतल जी तहसीन पुनावाला जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग खड़े, क्योंकि देश को अगर बचाना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ा होना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र को बता दें कि आज नया काम दशहरी में हुआ, एक भी महिला नेत्री थी। आप जानते हो महाराष्ट्र पहला सूबा था देश के अंदर जिसने विमेन रेजोल्यूशन पास किया, पहला सूबा, एक ही महिला को जगह नहीं। तो जो केवल एक कास्ट बेस्ड तंत्र, जो कांग्रेस का स्टैंड है, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने वादा किया था सरकार छोटे समय के 2017 में, क्यों मिली इसके बाद 2013 में, क्योंकि बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया था, वो वादा निभाना, ये तो राजनाथ जो मोदी जी का वादा था। आप कास्ट बेस्ड रिलीज कीजिए, इनको नहीं निकालना है, सभी वर्गो को इंसाफ नहीं देना, और बस ये चाहते हैं कि 2-2.5 लोगों का राज, बस इसी को ये राज करना चाहते हैं, बाकी क्षेत्रीय दलों को ये समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है रीना जी, तमाम एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं, साथ ही आपने भी कहा कि पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, क्या जदयू की तरफ से कभी भी भाजपा के साथ, बीजेपी जो बिहार की भाजपा है उनके साथ बैठ के तालमेल मिलाने की कोशिश की गई, क्या बातचीत हुई? नहीं, जहां तक बात है बातचीत तो होती ही थी, लेकिन उनके अंदर कुछ और बाहर कुछ, मतलब आप कह रहे हैं कि कहने को कुछ कहते थे, पीठ पीछे कुछ और कहते थे। और आप भी देख सकती हैं कि जो भाजपा जो है पूरी तरह से ठगने का काम करते हैं,
युवा भी जो भी हो, बीजेपी बीजेपी और मोदी मोदी जो भी करे, लेकिन आप देख सकती हैं जब भी वोट का समय आता है तो क्या होता है, मुद्दा से भटका दिया जाता है। क्या है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, अरे मुद्दा पर लाएंगे तो युवा मांगेंगे रोजगार। दीदी मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूँ, प्रीति जी कृपया करके, दीदी एक आंकड़ा रख रहा हूँ। 2016 में नीतीश जी जब सीएम थे तो उस समय उन्होंने बकायदा युवाओं के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक उद्यमी योजना लेकर आए थे। 2016 के बाद ये योजना बिल्कुल ठप्सी पड़ गई थी, जब सहन उसके बाद 17 के बाद जब सहनवाज हुसैन जी बकायदा सीट पर आए। सर सच्चाई सुन लीजिए, सच्चाई सुन लीजिए, सच्चाई से अगर तकलीफ होती है बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द मिलेगा। मिल गया क्या? और वो कितने लाख करोड़ का पैकेज जो है बताई गई, 3 लाख करोड़ का पैकेज, हम बिहार की जनता से ज्यादा की योजना बनाएंगे। नीतीश कुमार आंकड़ों के झूठे जा मत देंगे आप, अरे भी आंकड़ों के झूठे जा मत देंगे आप। मेरे भाजपा के साथ ही आंकड़ों के झूठे जा देख रहे हैं, ये आंकड़े जो आपको नागपुर में दिए गए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। 6 करोड़ अभी आपने 6 करोड़ आपने भाजपा वो बातें छोड़े, वो तो झूठी बातें हैं। अभी आपने 6 करोड़ हर एमएलए 6 करोड़ आपने ऐसी बात कही है, आपने प्रॉमिस किया था, आज भी खड़े होकर लगा यूपी में चल रही है, का समय छोटा छोटा सा रिएक्शन, बस ठीक है हो गया, ठीक है ऋषभ तिवारी ठीक है प्लीज तहसीन पूना वाला, बाइंड अप का समय जल्दी जल्दी से छोटा रखिएगा, फाइनल कमेंट्स। भाजपा मुक्त भारत ये करना बेहद जरूरी है। आप इसके सारे दर्शकों को याद होगा किस तरह से मोदी जी ने बिहार के चुनाव में कहा था कितना पैसा चाहिए, 40,000 करोड़, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000, या कुछ नहीं, जैसे नागपुर से पैसे ला रहे हैं, या कुछ नहीं, लोगों को सिर्फ जुमला देते हैं। और अब ये जुमलेबाजी बंद होनी चाहिए, भाजपा मुक्त भारत जरूरी है। ठीक है नेता रानी, योजना चल रही है कृपया करके पता कर ले, फैक्ट चेक करते हैं। इकॉनमी श्रिंक हो गई है ऋषभ जी, 3 लाख करोड़ अपने 50,000 ठीक है। कुंतल जी प्रीति, मैं आज डंके की चोट पे आपके सामने ये कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार ने हमेशा से इस देश को एक नई राजनीतिक दिशा दी है और आज जो हो रहा है वो बिहार एक नई राजनीतिक दिशा दे रहा है।
भाजपा कार्यालय में पटना में ताला लगा हुआ है, मुंह लटका हुआ है और ये बानगी है, ठीक है। ये फिर हो गया, फाइनल 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 आती आती रीना जी फाइनल। बहुत अच्छा डिसीजन लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और सबसे बड़ी यह सामने 2024 का चुनाव है, देश को बचाना है तो बीजेपी को भगाना है, और अभी सभी एकजुट होके उनके झूठे जितने बातें हैं पूरे देश के सामने लाएंगे। और सही बात है कि देश में प्रधानमंत्री बनाने में हमारे बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं वो सब मिलके एक हो और बीजेपी को भगाएं। ठीक है, ऋषभ तिवारी फाइनल। कहे कैदी कबीरा, कैदी में लोकतंत्र के कैद में बैठ के कवि कह रहा है, समय का पासा तगड़ा है, खादी वाले ने फिर से खादी वाले को पकड़ा है, तो ये जनता देखेगी किस रूप से आपने पकड़ा है। सही जवाब। देखिए अभी भाई ने बहुत अच्छी शेर शायरी करी, खादी वाले को पकड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको पहले किससे को पकड़ी हुई थी, बगैर खादी वाले को पकड़ी हुई थी? नहीं सर, हमने उन पार्टियों के साथ अपने आप को काम करने का प्रयास किया है जो राजनीति से चले। अगर आपकी राजनीति राजनीति से डिफरेंट होगी तो हमें परहेज होगा। फाइनल है, बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए, फाइनल है, बात रखिए, बात रखिए। क्या क्या रंग बदले गई जवाब, बात रखिए, बात रखिए, नजर बंद कर दी जाती है। ठीक है, ठीक है, सबका धन्यवाद, जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, और आपने देखा बिहार में कैसे सियासी जो बसात है वो कल ही बिछ गई थी। हमने इसी समय इसी डिबेट में आपसे कहा था कि कुछ होने वाला है बिहार की सरजमी में, कुछ होने वाला है और बड़ा होने वाला है। ऐसे में आपने दिन भर देखा होगा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि क्या कुछ बड़ा हो गया बिहार में, यानी कि खेला हो गया बिहार में। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बस इंडिया के सवाल में इतना ही, इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया 24/7 के साथ, और देखना ना भूलें सोमवार से शुक्रवार इंडिया का सवाल मेरे साथ।